सर्वप्रथम सभी को नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने चैनल का पासवर्ड कैसे बदलें, यानी ईमेल का पासवर्ड कैसे बदलें। ईमेल का पासवर्ड बदलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो पासवर्ड होता है हमारे चैनल की सुरक्षा करता है, ईमेल की सुरक्षा करता है। पासवर्ड एक लॉक की तरह होता है, एक ताले की तरह होता है, जिसको बदलना समय समय पर ज़रूरी होता है, क्योंकि तो चाबी हैक कर ली जा सकती है। चाबी किसी के हाथ लग जाए, उसका कॉपी अगर कोई कर ले तो आपका ताला खोला जा सकता है। इसीलिए कि आप अपने पासवर्ड को स्ट्रांग रखिए और समय समय पे उसको अपग्रेड करते रहिए। आपने कई सारे ऐसे केस सुने होंगे जिसमें चैनल को हैक कर लिया जाता है। आखिर ये YouTube चैनल, Facebook चैनल हैक कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है? ये हैकर क्या कर लेते हैं कि दूसरे के चैनल को हैक कर लेते हैं? उनके पास ऐसी क्या ट्रिक है जो वो हैक कर पाते हैं? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ये पासवर्ड इसे कैसे बदलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पासवर्ड बनता कैसे है, उसके बाद मैं बताता हूं इसे बदला कैसे जाता है। पहले आपका फ़ोन, फिर आपका मोबाइल नंबर, फिर आपका ईमेल, फिर उसके बाद आपका चैनल, चैनल के अंदर वीडियो जो आप जैसे देख रहे हो। लेकिन हैकर क्या करता है? हैकर यहाँ पे घात लगाता है ईमेल पे। मोबाइल नंबर कोई और तो ले नहीं सकता, वो कंपनियों का होता है। तो ईमेल जो होता है, ईमेल में ही चोरी शुरू हो जाती है। उसमें परमिशन कुछ दे दिया जाता है कि इस ईमेल को मोबाइल में, बहुत सारे लैपटॉप में, बहुत सारी जगह ये ईमेल इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मोबाइल नंबर तो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता हर जगह, लेकिन ईमेल इस्तेमाल किया जा सकता है हर जगह। यहाँ पे अब चोरी शुरू हो सकती है। ईमेल का अगर पासवर्ड किसी के पास होगा तो वो ईमेल रन करने लगेगा। उसी ईमेल से बनाया गया चैनल जो होता है वो आसानी से पकड़ में आ जाता है। चैनल अगर हाथ में आ गया हैकर्स के, तो अब उसे मोल्ड किया जा सकता है। उसमें शायद बहुत सारे परमिशन होते हैं कि यहाँ यहाँ परमिशन दे दो। तो सेटिंग में जाके, ईमेल के सेटिंग में जाके, चैनल के सेटिंग में जाके सब कुछ परिवर्तित कर देता है, वो चेंज कर देता है पूरा सेटिंग। फिर आप दिक्कत में आ जाते हो। अब आपके पास तो मोबाइल नंबर, फ़ोन तो है, लेकिन अब चैनल, ईमेल आपके हाथ से आधा निकल चुका है। लेकिन यहाँ अगर आप स्मार्ट हो, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखे हो, तो ये जानकारी आपके बहुत काम में आने वाली है। यहाँ आप तुरंत अपने चैनल को उनके हाथ से निकाल सकते हो। यहाँ कैसे निकाल सकते हो, आओ हम सिखाते हैं। कि मोबाइल नंबर आपके पास है तो उस ईमेल पे जाके तुरंत पासवर्ड बदलिए और वहाँ पे मोबाइल नंबर वेरीफाइड करिए। टू स्टेप वेरिफिकेशन में जाके तुरंत टू स्टेप वेरिफिकेशन करिए। तो पासवर्ड कैसे बदलते हैं, तो हम आ जाते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ जीमेल है, जीमेल को टच करिए। तो कोने में दाहिने तरफ आपके नाम का ईमेल का लोगो दिखता है, तो उसको टच करिए। जिस ईमेल का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं उसमें, उस पर जाइए। फिर उसके बाद मैनेज और गूगल अकाउंट पे जाइए। तो फिर दाहिने तरफ जाइए तो यहाँ सिक्योरिटी दिख रही होगी, सिक्योरिटी पे जाते हैं तो स्क्रॉल करिए, थोड़ा नीचे जाइए, देख सकते हैं। अब यहाँ आपके ईमेल का सारा डिटेल्स मिलता है कि इस ईमेल पे कौन सा मोबाइल नंबर अटैच है और रिकवरी मोबाइल नंबर कौन सा है, रिकवरी ईमेल कौन सा है, साथ में कौन कौन से डिवाइस इसमें चल रहे हैं। उसके बाद हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है पासवर्ड पे, क्योंकि ये वीडियो पासवर्ड के लिए मैं बना रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे जाइए, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करिए, यहाँ कंटिन्यू पे जाइए। उसके बाद अपने फ़ोन का वेरिफिकेशन करिए, फ़ोन का लॉक खोलिए। लॉक खोलेंगे उसके बाद यहाँ पासवर्ड दो जगह देता है, दोनों में सेम पासवर्ड भरना है हमें, मिस्टेक नहीं करना है। और यहाँ से हमें चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही चेंज पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो हमारा पासवर्ड बदल गया। गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं और गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये सारी चीज़ें खुल के आ जाती है। इससे ये पता चलता है कि हमारा फ़ोन वेरीफाइड हो गया है, ये ग्रीन टिक सभी चीज़ों पर लग गया है। तो ये कंफर्म हो गया कि हमारा ईमेल सुरक्षित है, हमारा चैनल सुरक्षित है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और आपको क्या जानकारी चाहिए कमेंट करके बताइए।
अगला वीडियो मैं आपके कमेंट के अनुसार लाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।